नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव हैंडमेड में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं आज के DIY की ओर। आज का जो DIY है बहुत ही खास है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन वॉल डेकोर है और बहुत ही आसानी से बन सकता है। और वैसे तो ये ऑनलाइन स्टोर में बहुत ही कॉस्टली मिलता है, तो और इसके लिए जो चीज़ें लगेगी वो भी हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो फिर हम चलते हैं अपने वॉल डेकोर की ओर, जो एकदम ही ऑनलाइन जैसा दिखता है। अब इसके लिए आप कोई भी पेपर प्लेट ले सकते हो और उसके जो एजेस है वो निकाल दीजिए। अब कोई भी पेपर से इसे कवर कर लीजिए। आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मेरे घर में ऐसा पतला वाला पेपर पड़ा था जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, और साइड के एजेस भी कट कर दीजिए। और मैंने इसके ऊपर पिंक और येलो मिक्स करके बेस बनाया है, तो आप अपने मनपसंद बेस बना सकते हैं। तो अगर ये आपने वॉल डेकोर देखे होंगे ऑनलाइन में, तो सेम कलर और सेम पैटर्न में मिलते हैं। और जैसे मैंने अभी ये डिज़ाइन बनाया है, आप डायरेक्टली ब्रश से भी बना सकते हो। तो पहले हम ये डिज़ाइन बना लेंगे। अब याद रखना है हमें, जब ये पेपर हम चिपकाएंगे प्लेट पे, तो हो सके उतना प्लेन रहना चाहिए, लेकिन अगर बीच में थोड़े से क्रीजेस भी आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब कलर करेंगे और ये जब बन के तैयार हो जाएगा तो ये इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आपसे सब पूछेंगे कि ये कहाँ से ख़रीदा, यकीन मानिए ये सच है। तो इस तरह से हम चारों प्लेट्स पे अपने डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैंने इसमें फ्लोरल पैटर्न ही पसंद किया है। आप वैसे तो कोई ट्रेडिशनल आर्ट भी इस पे कर सकते हो। जो मैंने इसमें बनाए हैं ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी बना सकता है और ये आसानी से बन जाते हैं। इसके लिए कोई खास ड्राइंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहिए तो पहले पेंसिल से भी स्केच कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ब्रश से भी आप बना सकते हो। अब हर एक आर्ट फॉर्म, हर एक डिज़ाइन को हमें सिर्फ वाइट कलर से आउटलाइन देनी है, तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है, जिससे वो जो डिज़ाइन है वो उठ के आ जाती है। तो इस तरह से हमारी चारों प्लेट्स तैयार हो रही हैं। अब ये जो कलर बना है पिंक और येलो मिला के, ये वॉल पे बहुत ही सुंदर दिखता है, इसीलिए मैंने बेस में ये कलर रखा है। देखिए, ये भी सिंपल आर्ट फॉर्म है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अब ये हमारी फोर्थ प्लेट है।
अब मैंने इस स्लीव में थोड़ा सा ग्रीन का एक अलग शेड से उसकी वेन्स बनाई हैं। देखिए इसमें आप वाइट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा डिमार्केशन देने के लिए। और आउटलाइन के लिए वापस मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल किया है, तो हमारी चारों प्लेट्स बनके तैयार है। अब हम इसके लिए हम फ्रेम बनाएंगे। उसके लिए हमें स्क्वायर पेपर लेना है और साइड की जो स्ट्रिप्स है वो 4 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए, और उसके ऊपर और एक पतली वाली 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स आप कट करके पेस्ट कीजिए, जिससे हमारी फ्रेम को थोड़ा स्टर्डीनेस आएगा। तो चारों तरफ से 4 सेंटीमीटर्स का हमने एक स्ट्रिप्स ऐड किए हैं। अब उसके ऊपर 1-1 सेंटीमीटर्स के हमें लाइंस ड्रॉ करने हैं। देखिए इस तरह से हमें लाइंस ड्रॉ करने हैं, वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर्स के पार्ट में ही करना है, आगे नहीं करना है। हर कॉर्नर पे हमें मार्क कर लेना है जिससे लाइंस एकदम स्ट्रेट आएंगी। अब हर कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर का हमें पीस निकाल देना है, हर कॉर्नर से। अब ये हमारा कुछ इस तरह बनके तैयार हो जाएगा। अब जो दो कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स लीजिए और 1 सेंटीमीटर आप मार्क कीजिए स्केल से। कोई भी दो डायगोनली ऑपोजिट साइड्स लीजिए आपको। अब लाइन ड्रॉ कर लीजिए सीधी। ये सिर्फ हमें दो ही साइड पे करना है। वैसे तो हमारे 4 स्ट्रिप्स हैं, तो उसमें से हमें 3 पे ही काम करना है। एक जो अंदर वाली स्ट्रिप है वो हमारी एम्प्टी ही रहेगी, देखिए खाली ही रहेगी। और अब हमें इसे कट करना है। और जो सबसे बाहर का जो
स्क्वीज करोगे तो आपको हर एक स्ट्रिप मिलेगी, तो सिर्फ अंदर वाली स्ट्रिप को हमें फोल्ड करके लगाना है। तो जैसे हमारे फिलर होता है या हमारे हॉलो स्ट्रिंग बनती है, वैसे हमारा ये बन जाएगा। जैसे हमारे फ्रेम की एक साइड अंदर से हॉलो रहेगी, देखिए इसीलिए हमने ये चार लाइन ड्रॉ की है चार साइड्स के। हमें इसे प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से सिर्फ क्रीजिंग के वहां पे हमें प्रेस करना है। देखिए ये हॉलो ही रहेगा, इसके अंदर इसको प्लेन नहीं करना है। एक और बार देखिए, अंदर क्रीजिंग की जो लाइन्स है उसके बाद हमें फेविकॉल लगाना है, और सबसे बाहर की जो क्रीज की लाइन है उसे हमें सिर्फ इसके ऊपर चिपकाना है, जिससे ये पिलर की तरह या एक हॉलो की जैसे बन जाएगा। देखिए सिर्फ एक ही स्ट्रिप को चिपकाना है, देखिए कैसे रोल के जैसे लगते हैं, लेकिन सिर्फ चार अच्छी तरह से क्रीजिंग वाली साइड्स, और आपको सिर्फ क्रीजिंग वाली लाइंस पे ही प्रेस करना है। अब ये सामने वाली दो साइड्स का काम हो गया है, अब बची हुई जो दो साइड्स है जिसे हमने कट किया था उसे भी उसी तरह करना है। सिर्फ जो कट है उसे हमें ये जो दो साइड के दो साइड्स बनाए हैं उसके नीचे हमें प्रेस करके लगाना है। सूखने दीजिए पहले दोनों साइड्स को, सेम प्रोसीजर है। देखिए इस तरह से हमें नीचे लगाना है इसके, जब आप ये करोगे तो अपने आप ये फोल्ड हो जाएगा। और देखिए एकदम शार्प कॉर्नर्स हमारे ये फ्रेम के बन जाते हैं। देखिए अब हम इसके ऊपर कलर करने वाले हैं, तो हम छोटा सा एब्रो टेप का एक छोटा सा पीस भी लगा सकते हैं जिससे वो और स्टडी रहेगा, ना हो तो भी आप थोड़ा फेविकॉल ऊपर से लगा दीजिए तो वो एकदम फ्रेम परफेक्ट दिखती है, एजेस भी एकदम शार्प दिखते हैं। देखिए ये हमारी फ्रेम बनके तैयार है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप चाहिए तो इसे एब्रो टेप से भी सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये फ्रेम बहुत ही स्टर्डी बनती है। आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ये वॉल डेकोर ऐसे का ऐसा ही मिलेगा, जो बहुत ही कॉस्टली है, और ये हम जब घर में बनाते हैं तो ये बहुत ही कम कीमत में बन जाता है। देखो इस तरह से हमारे फ्रेम्स बनके तैयार हैं। अब ये प्लेट्स जो हमने बनाई थी इसके पीछे हम छोटा सा एक कार्डबोर्ड का पीस लगाएंगे। अब एजेस में मैंने ब्लैक कलर से उनको एजिंग किया है, आप चाहिए तो उसे वैसे भी रख सकते हो, थोड़ा बाउंड्री के लिए मैंने उसे ब्लैक कलर से पेंट किया है। अब ये फ्रेम्स को हम ब्राउन कलर से पेंट करेंगे। अब ब्राउन कलर ना हो तो ऑकर में ब्लू और रेड मिक्स कीजिए तो ये हमारा ब्राउन कलर बन जाता है। अब इसमें अगर आप रेड कलर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो ब्राउनिश शेड थोड़ी रेडिश लगती है, जैसे मेरी एक फ्रेम में मैंने बना के दिखाई है। तो इस तरह से आप चिपका दीजिए बनी हुई प्लेट्स को, और ये हमारा वॉल डेकोर बनके तैयार है। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं एकदम कम खर्च में। उम्मीद करती हूँ आज का DIY आपको पसंद आया होगा।
आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।